हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो और अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और अभी लंच टाइम भी है हमारा। तो अभी ना मैंने जो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना कि मैंने कुछ मंगाया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था उसे, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो उसकी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। तो हो सके तो आप लोग भी उसको मंगाइएगा, बहुत अच्छा है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। तो चलो अभी हम गिफ्ट खोल कर देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या मंगाया है। और मैंने जब वो ऑर्डर कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे। हाँ, तो चलिए अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि क्या मंगाया है मैंने अमेज़ॉन से। तो मैंने मंगाया है गीक रोबोकुक का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, जो कि 5.5 लीटर का है। मेरी फैमिली के हिसाब से ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग होकर आया है, पूरा कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी डैमेज वगैरह ना हो। तो ये है गीक रोबोकुक 5 लीटर वाला मैंने मंगाया है। तो चलिए अभी इसको ओपन कर लेते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कुकर को लेकर। इसमें इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। ये है इसका मैनुअल बुक, इसके साथ में आएगी कि किस तरीके से यूज़ करना है इसको और किस तरीके से नहीं करना है, तो वो सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये आई है रेसिपी बुक, ताकि हम इसमें से कोई भी रेसिपी देखकर बना सकें। और वास्तव से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं इसमें जो रेसिपी दिखाई गई हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको देखकर ही जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ, बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। और ये आता है उसके साथ में वारंटी कार्ड। तो उसी के साथ में ये रबर के आए हैं, तो जैसे कि हमें अगर कंटेनर को उठाना है तो इसको पकड़ के हम उठा सकते हैं। और इसके साथ में एक चम्मच भी आया है चलाने के लिए, और साथ में मेज़र कप आया है। और इसी के साथ में आई है ये इलेक्ट्रिक केबल, जैसे कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी से अटैच कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक कुकर, और मसाले से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी इसको ले चलते हैं किचन में। इसके साथ में जो जो एसेसरीज आई थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें इसके साथ में क्या क्या आया है। तो चलिए अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को इसके फीचर्स, जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही हैं। जैसे कि इसमें ये है राइस, दाल, चना, सांभर, ग्रेवी, पोंगल, खिचड़ी, इडली, मतलब ये सारी हम चीज़ें बना सकते हैं। और तो ऊपर की साइड देखेंगे तो ये है फिश, चिकन, मीट, बिरयानी, वेज और नॉन वेज हम दोनों ही चीज़ें इसमें बना सकते हैं। और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमें मैनुअल करना है तो हमें अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमें कम या ज़्यादा हीट रखना है इसकी, तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमें। तो ये है एक विसल, जो कि नॉर्मल प्रेशर कुकर की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि ये जो इसका एक ये बटन है, इसको हमें ये आगे है अभी तो फिलहाल, लेकिन अगर जब हमें कोई खाना बनाना होता है तो इसको हमें इसे पीछे कर देना है, ताकि इसकी जो स्टीम होती है वो बाहर ना निकले। और जब हम खाना बन चुका है हमारा, इसकी जो स्टीम हमें बाहर निकालनी, तो हम इसके बटन को आगे कर देंगे ताकि ये स्टीम जो होती है वो बाहर निकल जाए। तो चलिए अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो कंटेनर है बहुत ही प्यारा सा दिया है, और इसमें जो है इसमें मेजरमेंट भी लिखा हुआ है सारा कि हमें कितना कुछ बनाना है, तो उसके हिसाब से हम बना सकते हैं मेजर करके। और ये 5 लीटर का है। तो चलिए अब इसके लिड की बात कर लेते हैं, जो कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा ब्लैक और सिल्वर कलर में है। और
ये बहुत ही प्यारा सा। तो ये तो हुई इन सब के बाद, तो अब हम बनाते हैं इसमें खाना, और आप लोगों को पता भी चलता है कि किसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये 250 ग्राम चिकन, इसका मैं करी बना रही हूँ, चिकन करी। और तो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को यहाँ से हम पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे और इसके बटन को ऑन कर देंगे यहाँ से, और हमें लगाना है पहले सॉटे। तो जब ये सॉटे होता है, गरम होता है हमारा जो पैन, इसका जो कंटेनर है वो गरम होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी यहाँ पे ये टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, 30 सेकंड का टाइम लेता है ये। तो तब तक ये गरम होता है, तब तक हम ये सारे मसाले वगैरह तैयार कर लेते हैं अपने निकाल कर। तो ये जो कंटेनर है वो हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो अभी हमारा तेल गरम हो चुका है, और तो हम देख रहे हैं उसको। और मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ खड़े मसाले, मैंने लिए हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, और ये है फूल, और ये है पत्ते। तो अभी हम इसको डाल देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें, भी थोड़ा सा इसको भुनने देंगे। तो मसाले यहाँ पे चटक गए हैं सारे, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो उसके बाद में मैंने ये जो मसाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, और यहाँ पे मैंने टमाटर भी इसी में पीस लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर लिया है। तो अभी हम इसको सूखे मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। और मसाले को हम अभी भुनने देते हैं। तो अभी यहाँ पे मसाला भुन रहा है, और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये मीडियम फ्लेम पे चल रहा है अभी। तो अगर हमें इसको जल्दी बनाना है तो हम किक पे कर सकते हैं, और लेकिन हमेशा मैं मसाले को मीडियम पे ही भूनती हूँ। तो अभी मसाला हमारा भुन रहा है, तो इसको इस तरीके से हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हम मसाले को बहुत अच्छे से भून सकते हैं। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने काजू और खसखस और गरी का थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है इसमें। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बने। वैसे हम बाद में टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर पहले ही ऐड कर दिए थे। दही भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन दही घर में नहीं था इसलिए मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए। तो इसको मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसका जो तेल है वो अच्छे से निकल आए ऊपर। तो अभी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और उसने तेल भी छोड़ दिया, तो अभी हम ये चिकन डाल देंगे इसमें। मैंने चिकन को 2-3 बार धो लिया था अच्छे से। तो अभी तो मैं इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि जो इसके जो मसाले हैं वो इन चिकन पीसेस के अंदर चले जाए। तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से ही पकाना है इनको। तो मैंने इसको 2-3 मिनट तक इसके अंदर भून लिया था अच्छे से, और अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना हमें रखना है। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करूँगी।
बस इतना रखना है कि चिकन अच्छे से गल जाए और उसके बाद में थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अभी इसको हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी ये चल रहा था सॉटे, हमने किया था इसको, तो अभी हम सॉटे बटन को कैंसिल कर देंगे यहाँ से। और हमें बनाना है चिकन, तो अभी हम जाएंगे नॉन वेज पे। चिकन है सेकंड नंबर पे, अभी मुझे बनाना है मीडियम फ्लेम पे। और ये 20 मिनट का टाइमर सेट हो गया है, तो ये देखो आप लोग टाइमर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हमें ये करना है कि इसका जो विसल है उसको हमें इस नॉच को पीछे की साइड कर देना है, ताकि जो अंदर की स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो अभी ये स्टार्ट हो गया है। तो इस गीक रोबोकुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और चिकन हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे और इस बटन को ऑफ कर देंगे। अभी हमारा जो कुकर है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है काम करना, और अभी हम यहाँ पे स्विच से भी बंद कर देंगे इसको। तो अभी हम इसके ढक्कन को नहीं खोलेंगे, हम इसको पूरी जो स्टीम है वो बाहर निकल जाएगी, उसके बाद हम खोलेंगे 10 मिनट बाद, फिर देखते हैं कैसा बना है हमारा चिकन। तो 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें स्टीम है या नहीं। थोड़ी बहुत जो भी स्टीम होगी वो बाहर निकाल देते हैं। तो सारी स्टीम बाहर निकल गई है, इसको फिर से हम ऐसे कर देते हैं और अभी हम इसको ढक्कन को ओपन करते हैं। वाओ वाओ, ग्रेवी बहुत शानदार बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम गार्निश करेंगे इसको धनिया से। तो अभी हमने इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूंगी इसमें मैं। तो हमारा ये चिकन सालन बनके तैयार हो गया है। तो मुझे गीक रोबोकुक प्रेशर कुकर के साथ में खाना बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर मंगाएं। और मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से बाय कर लेना। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी खाना बना सकता है। घर में लेडीज़ हैं या फिर घर में जो घर के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो भी खाना बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको चलाना। तो बस मुझे इसके साथ में अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। और मेरी आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और खुदा हाफिज़।